वीर प्रभु के अनुयायियों, पांच भाव पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें तीन भाव पर हमने चर्चा की है, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव तथा क्षायोपशमिक भाव। कल क्षायोपशमिक भाव के अंतर्गत हमने दो भावों की चर्चा की थी, क्षायोपशमिक चरित्र और संयमा संयम। तो आठवें गुण स्थान से लेकर ग्यारहवें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी में चढ़ते समय क्षायोपशमिक चरित्र कैसे घटित करके दिखाया था, कोई बताएगा? बोलिए। क्षायोपशमिक चरित्र कैसे घटित करके दिखाया आठवें गुण स्थान में, इसमें अपेक्षा ये बताई थी कि चूंकि औपशमिक चरित्र ग्यारहवें गुण स्थान में होता है, अभी तो नहीं हुआ है कुछ भी, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भाविक्षे उन्हीं का सदावस्था उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो इसमें सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से आएंगे? अभी एक बात समझना सब अच्छे से, मैं भी कल अनंत अनुबंधी बोल गया शायद, यहाँ पर अनंत अनुबंधी नहीं बोलना है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौ नौ कषाय, इन 21 प्रकृतियों का। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे सर्वघाती ना, तो फिर इसमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन दो प्रकृतियों का सदावस्था उपशम, उदय भाविक्षय उन्हीं का सदावस्था उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय, ठीक है? तो जाकर यह गुणस्थान बनेगा, मतलब यहां पर अनंतानुबंधी नहीं लेना है, इसलिए मैंने बुद्धिपूर्वक के बोला। क्यों नहीं लेना है, कोई बताएगा? क्यों नहीं लेना? क्योंकि या तो अनंतानुबंधी की पहले ही 20 योजना हुई होगी, और यदि क्षायिक सम्यक्ति होगा तो फिर उसके तो नाश ही हुई होगी, मतलब अनंतानुबंधी का जो भी कुछ होना है वो दर्शन मोहनी के साथ ही हो जाता है, ठीक है? और अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सब के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है? इसलिए ऐसे लिखा मिलता है 21 प्रकृतियां। कितनी? 21। वो 21 प्रकृतियां मतलब कौन सी लेना? जैसे वहां पर सिद्ध करना है औपशमिक चरित्र, तो क्या कहने में आएगा? 21 प्रकृतियां दब रही है, 21 प्रकृतियां दब रही है। तो यहां पर जब हमने देखा था ना औपशमिक भाव के अंतर्गत औपशमिक चरित्र, तो वहां पर क्या बोले थे हम? 21 प्रकृतियां दबती जाती है। तो वहां पर अनंतानुबंधी थोड़ी ली थी, अनंतानुबंधी क्यों नहीं ली थी? क्योंकि अनंतानुबंधी की हुई होगी पहले भी संयोजना, या हुआ होगा उसका क्षय, क्योंकि या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि या द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि ही तो श्रेणी चढ़ता है, आप समझ रहे हो? मतलब अनंतानुबंधी का हिसाब किताब नहीं चलेगा, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन चतुष्क के साथ उसका हिसाब किताब नहीं चलता। चलो मैं अभी आगे, अभी मूल प्रकरण हमें पढ़ना है औदयिक भाव का। परिभाषा हमने देखी थी, उदय ही है प्रयोजन जिसका, तीन परिभाषाएं हमने प्रारंभ में देखी थी आपको याद होगा तो, जिसमें कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं वो औदयिक भाव, जीव के भाव के निमित्त से, जिस भाव के निमित्त से कर्म का उदय होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं, और उदय को लेकर उदय से युक्त भाव को औदयिक भाव कहते हैं। इसके 21 भेद देखने हैं हमें, 21 में से आज हमें चार गति की चर्चा करनी है। क्या है गति, आज हम समझेंगे, साथ साथ आज उस प्रश्न पर भी हमको विचार करना है जो परसों आया था। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ था परसों? मैंने कहा था गति में चर्चा करेंगे, याद है किसी को? एक जन को भी याद नहीं। प्रश्न ये उपस्थित हुआ था कि आप त्रियंश आयु को सुखरूप कैसे बोल रहे हो? त्रियंश आयु तो दुखरूप होनी चाहिए,
तो मैंने ये बोला था जब औधिक भाव चलेगा गति तो उसमें मैं लूंगा इसको, ठीक है, ये बात आई थी बात, आज उसको लेना है। तो गति मतलब क्या हम पहले समझते हैं। वैसे मैं पहले एक बात बता दूं आपको, गति और आयु इनको समानार्थी मानने में ही बहुत जनों की भूल होती है, क्योंकि वो है भी मतलब बहुत नजदीकी संबंध है उनका। नजदीकी संबंध कैसा हुआ मैं आज बताऊंगा, लेकिन दो एक नहीं है, गति अलग है आयु अलग है। 148 कर्म प्रकृतियों में 4 आयु की प्रकृति अलग और 93 नाम कर्म की प्रकृतियों में 4 गति अलग, ऐसे 8 प्रकृतियां है ये। तो गति और आयु ये न्यारा न्यारा कर्म है, ये पहले आप सब समझ लो, ठीक है। और अक्सर हम गति और आयु को एक ही समझते रहते हैं। चलो मैं आगे, तो गति क्या चीज है? मूल ग्रंथों में ऐसा प्रश्न पूछा कि गति मतलब तो गमन ना, तो वहां पर कहा ना ना, गति का अर्थ यदि हम गमन करेंगे तो ये गति तो पुद्गल में भी सिद्ध होगी। तो यहां पर इस प्रकरण में गति का अर्थ क्या करेंगे? गति नाम कर्म के उदय से जीव का जो विशिष्ट परिणाम होता है, जो आत्म स्वभाव से विमुख है, उसे गति कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? गति नाम कर्म के उदय से जीव में जो विशिष्ट भाव होता है उसे गति कहते, बस इतना लिख दो। और गति के साथ साथ बहुत सारी अविनाभावी कर्म प्रकृतियां भी उदय में आती रहती है। अपन बताऊंगा मैं अभी, सब खुलासा हो जाएगा। याद आ रहा होगा आपको, हमने गति पाठ पढ़ा था, वहां पर तो परिभाषा ये थी जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब वो पूरा जो गति पाठ है ना, पूरा गति पाठ, वो पूरा गति पाठ ये आयु की मुख्यता से ही लिखा गया है। क्या आयु की मुख्यता से कैसे लिखा गया है? नरक आयु के बंध का कारण क्या है बताएगा कोई? नरक आयु के बंध का कारण बोलो, ठीक है। मनुष्य आयु के बंध का कारण अल्पारंभ अल्प परिग्रह और स्वभाव मार्दवंश स्वभाव की सरलता। देवायु के बंध का कारण सराग संयम, संयमासंयम, अज्ञान तप, अज्ञान व्रत, बाल तप। तिर्यंचायु के बंध का कारण मायाचार। जब हमने गति पाठ पढ़ा था तो वहां पर गति पाठ में हमने क्या पढ़ा था? मनुष्यायु के मनुष्य गति के बंध का कारण अल्पारंभ। अभी देखिए ये तत्व और सूत्र आप पढ़ेंगे तो ये तो आयु के बंध के कारण है, और गतिया पाठ में हमने क्या पढ़ा? ये तो गति के बंध के कारण बताए वहां पर। तो वो गति के बंध के कारण बताए खरेखर कायदे से वे तो आयु के बंध के कारण है, लेकिन वहां पर भी आयु को और गति को एक मानकर किया गया कथन है। उसके पीछे कुछ हेतु है, मैं बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट वैसा नहीं है जैसा हमने पाठ में पढ़ा है। देखो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, क्योंकि आयु के बंध का कारण हमने कहा, नरक आयु के बंध का कारण क्या कहा? बहु आरंभ बहु परिग्रह, वो तो आयु में। लेकिन नरक गति है नाम कर्म की प्रकृति, और भाई साहब नाम कर्म की जो प्रकृतियां बनती है उसमें जो प्रशस्त प्रकृतियां बनती है वे मन वचन काय की सरलता से बनती है, और जो अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है वो मन वचन काय की विकृति से बनती है। कितना फर्क हो गया? किसमें फर्क हो गया? आयु और गति में कितना फर्क हो गया? लेकिन ऐसा क्यों है कि गति और आयु को एक समझा जाता है? और ये तो हमने पाठ पढ़ा गति का, उस गति में पूरा पाठ वो आयु की तरफ से ही बोला गया है। अधिक क्या कहे, वो बंध के कारण भी जो बताए हैं वो तो आयु के ही बंध के कारण बताए गति के नाम पर। और जीव की अवस्था विशेष, वो परिभाषा भी जो बनाई है ना अवस्था विशेष, वो परिभाषा भी सचमुच आयु की परिभाषा है, गति की नहीं है। क्यों? देखिए जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना,
वो आयु के कारण हमको मिली है. क्या कहा मैंने, ये जो सुनिए सुनिए सब ध्यान से, अभी असमान जाति द्रव्य परे कहने की अपेक्षा जो जुड़ान जो हमको शरीर मिला है ना, शरीर शरीर के परमाणु, वो तो नाम कर्म के उदय से मिले हैं, लेकिन शरीर का और आत्मा का एक बंधान, जीवन से लेकर मरण तक का जो एक साथ रहने का जो संबंध है, उसमें कारण आयु कर्म है. आप समझ रहे हो? ठीक है, हम आयु और गति की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं. और ये शरीर जो मिला है वो तो नाम कर्म से, गति गति के कारण ना शरीर मिला है, गति के कारण ना ये एक क्षेत्राव बंधन की जो स्थिति है, जितने काल तक एक क्षेत्राव का बंधन बना रहेगा शरीर का और जीव का, वह भी गति के अधीन नहीं है. तो गति है क्या वास्तव में? गति तो जीव का परिणाम है, पर्याय, अभी बताऊंगा. और वहां पर जीव के अवस्था विशेष जो बोला गति को, तो अवस्था विशेष मतलब कौन से अवस्था विशेष ले रहे थे वे? असमान जाति द्रव्य पर्याय ऐसे ले रहे थे वे. इसलिए हमको भ्रम होता है आयु और गति क्या एक ही है क्या, क्या अनेक अनेक है, क्या है ये. और इसलिए परसों भी एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि आप तिरंज आयु को सुखरूप कैसे बोल रहे हो. देखिए अभी आयु और गति में थोड़ा फर्क है. क्या फर्क है? गति निरंतर बनती रहती है, आयु मात्र त्रिभाग में बनती है. त्रिभाग मतलब अपकर्ष कालों में बंधती है आयु. ठीक है, आयु किस में बंधती है? त्रिभाग में. अपकर्ष काल भी कहेंगे उसको. आपको पता है ना कैसे बनती है त्रिभाग? मतलब जैसे 66 हो उम्र किसी की, कर्म भूमि का मनुष्य अतो तिरंज हो, तो यदि उसकी उम्र 66 है तो उसका दो तिहाई काल बीतने के बाद 44 उम्र के बाद जो प्रथम अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें होता है उसका प्रथम अपकर्ष काल, वहां पर आयु बन सकती है उसकी. 44 साल तक उसको आयु नहीं बंधेगी. पहला पॉइंट क्या लिखाया हमने? पहला पॉइंट क्या लिखाया? आयु त्रिभाग में बनती है अपकर्ष काल में, और नाम कर्म निरंतर बनता रहता है. आप जन्मे और जन्म से चालू है नाम कर्म कोई ना कोई बन ही रहा है. नाम कर्म मतलब नाम कर्म में कौन सा नाम कर्म? गति. कोई ना गति निरंतर बन रही है, लेकिन आयु त्रिभाग में ही बनती है. और वो त्रिभाग में यदि नहीं बनती ना 44 साल के बाद, तो अभी ठेठ कब बंधेगी मालूम आपको? अभी 22 साल बचे थे ना आयु, और 22 में से भी तो दो तिहाई निकाल दो, कितने बचे? 14. तो 14 साल बाद मतलब कितने साल बाद? 14 मतलब कितने? 58. 44 और 14, 58 साल के बाद जो अंतर्मुहूर्त आएगा उस अंतर्मुहूर्त में पड़ेगा दूसरा अपकर्ष काल, वहां पर आयु बन सकती है. आयु जब चाहे नहीं बनती, आयु तो 8 अपकर्ष कालों में ही बंध सकती है. और कहो तो 8 अपकर्ष कालों में भी ना बंद कर अंतिम अंतर मुहूर्त में बंधे आयु के. ये पकड़ में आया आयु का एक मौलिक अंतर. गति का क्या है? गति निरंतर बनती रहती है. अभी ये गति बंदी, फिर गति चलती रहती, गतियां बदलना. दूसरा पॉइंट, आयु बंधेगी तो एक ही बनती है, मतलब 4 बार भी यदि आयु बंधी 4 अपकर्ष कालों में, तो मनुष्य आयु बंधेगी. बंधी पहले में तो दूसरे तीसरे चौथे में भी मनुष्य आयु ही बंधेगी, आयु अलग अलग नहीं बनती. लेकिन गति चारों बन सकती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसी करके चारों गतियां बन सकती है. एक समय में बंधेगी तो एक ही. ये दूसरा पॉइंट हो गया महत्वपूर्ण. बोलिए. सब बता रहा हूं. दो पॉइंट हो गए, अभी तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ो. ये आयु निरंतर बंधी प्रकृति है और गति सांतर बंधी प्रकृति है. निरंतर और सांतर क्या है अभी हम देखते हैं. ब्रैकेट में लिख दो,
एक बार बंध प्रारंभ होने के पश्चात जो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए होता रहे उसे निरंतर बंधी प्रकृति कहते हैं। निरंतर बंधी प्रकृति किसे कहते हैं? वहां पर ब्रैकेट में लिख लो अपनी चाहिए। जो कर्म बंधना प्रारंभ होने के पश्चात कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए बंधता रहे उसे निरंतर बंधी प्रकृति कहते हैं। सांतर बंधी प्रकृति लिखोगे, जो इस समय में प्रकृति बंधी और दूसरे समय में बंधना रुक गई उसे सांतर बंधी प्रकृति कहते हैं। कितने जनों को समझ में आ रहा है? सांतर और निरंतर समझ में आया? कौन बताएगा सांतर और निरंतर का अंतर? सांतर का शब्द विच्छेद क्या बनेगा? मतलब अंतर सहित, और अंतर सहित मतलब एक समय में बंदी दूसरे समय में नहीं बंधेगी, बस खत्म। और आयु क्या है? एक बार बंधना चालू हो गई तो निरंतर अंतर मुहूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी, निरंतर बंधेगी। और सांतर बंदी प्रकृतियां एक समय में बंदी दूसरे समय में बंधेगी ही नहीं, सांतर प्रकृति कहते हैं। और कुछ प्रकृतियां होती है निरंतर सांतर प्रकृतियां, उनकी क्या विशेषता है निरंतर सांतर बंदी प्रकृतियों में? एक समय से लेकर वे बनते बनते अंतर मुहूर्त से ज्यादा तक भी बन सकती है। समझ में आ गया? मतलब उनमें दोनों क्वालिटी हो सकती है, या तो एक समय में बंद कर रुक जाए या तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा भी बनती रहे, कुछ भी हो सकता है उन प्रकृतियों का। ऐसी उभय स्वभावी प्रकृतियों को निरंतर सांतर प्रकृति कहते हैं। कितने जन तीनों प्रकृतियों की परिभाषा पकड़ पा रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। ठीक है, निरंतर सांतर प्रकृति हो गई। अभी मुझे कहना क्या था इसमें? नहीं समझ में आ रहा आपको? अब और थोड़ा समझाओ। सुनिए सुनिए, देखिए अब इससे हटकर कुछ बात बताऊंगा। बहुत सारी प्रकृतियों की चर्चा है जिनागम में। जैसे कुछ होती है अनादिबंध प्रकृति, अनादिबंध प्रकृति, और कुछ होती है साधिबंध प्रकृति। अनादिबंध मतलब जो अनादि से बनती जा रही है प्रकृतियां, अनादि से। ये प्रकृतियां कौन कौन सी होगी? ये कह रहे जैसे दसवें गुण स्थान तक अनादि से वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये प्रकृति वहां तक बनती रहती है दसवें गुण स्थान तक। तो अनादि से बनती है वहां तक, अनादि से वहां तक बंधेगी, फिर आगे बढ़ेंगे फिर नहीं बंधेगी ग्यारह गुण स्थान में। इसको इन प्रकृतियों को कहेंगे अनादि बंध प्रकृति। और यदि कोई उपशम श्रेणी वाला जीव ग्यारहवें गुण स्थान में जाए और फिर से नीचे गिर जाए दसवें में आए, तो दसवें में फिर बनना चालू होगी प्रकृतियां, वे ही ज्ञानवरण दर्शनावरण अंतराय की। आप समझ रहे हो? वैसे नियम यह है ज्ञानवरण की जो पांच प्रकृतियां ना उनका बंध दसवें गुण स्थान तक होता है, दर्शनावरण का बंध दसवें गुण स्थान तक होता है, अंतराय का बंध दसवें गुण स्थान तक होता है। दसवें गुण स्थान तक ये प्रकृतियां बनती, ज्ञानवरण, दर्शनावरण और अंतराय। ठीक है, कौन सा बता रहा हूं अभी? ए समझ में आ रहा है मैंने जो बोला? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और एक नियम है समझ लो। वेदनीय कर्म बनता है तेरहवें गुण स्थान तक, ठीक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म बनता है दसवें गुण स्थान तक। मोहनीय कर्म बनता है नवे गुण स्थान तक। आयु कर्म बनता है सातवें गुण स्थान तक। टेबल बन जाए इसका तो आपको पकड़ में आएगा अच्छे से। आयु कर्म कब तक बंधेगा? नाम और गोत्र ये भी बंधेगी दसवें तक। मैंने गलती करी, मैंने दसवें तक ज्ञान और दर्शन और अंतराय बोला, नाम और गोत्र भी उसमें ऐड कर दो। ये पांच प्रकृतियां बंधेगी दसवें तक, ठीक है।
क्या सातवें तक आयु कर्म प्रकृति बंधेगी? हाँ जी, एक एक मिनट रुकिए जरा, मुझे अब मेरे प्रकरण पूरा करने दीजिए, फिर पूछिएगा, मैं बोलूंगा पूछो अभी कुछ प्रश्न, ठीक है? अभी इसमें अनादि प्रकृति कौन सी कह रहे हैं अपन? अनादि काल से दसवें गुण स्थान तक जीव गया, तो दसवें गुण स्थान तक निरंतर बनती रहेगी प्रकृति, कौन सी? ज्ञान और दर्शन और अंतराय नाम गोत्र, इसलिए इनको कहेंगे अनादि बंदी प्रकृति। और यदि वो ग्यारह गुण स्थान में गया फिर बंधना रुक जाएगी, और फिर फिसल के दसवें में आया फिर बंधना प्रारंभ होगी। अभी इन्हीं प्रकृतियों को कहेंगे साधी बंध प्रकृतियां। साधी बंध मतलब इनके प्रारंभ है, और पहले पहले अनादि से थी, अभी खंड पड़ गए ना, और अभी प्रारंभ हो गई, इसलिए उनको कहेंगे साधी बंध प्रकृतियां। वे ही प्रकृतियां, प्रकृतियां कोई अलग अलग नहीं है, समझ में आ गया? साधी बंध प्रकृतियां और अनादि बंध प्रकृतियां, ठीक है? कितने जन समझ पा रहे हैं? कुछ होती है ध्रुव बंधी प्रकृतियां, जैसे अभव्य है उनको हमेशा ही वे प्रकृतियां बनती रहेगी अनादि से लेकर अनंत काल तक, ध्रुव बंधी प्रकृतियां, ध्रुव बंधी, ध्रुव बंधी प्रकृतियां, ये 47 होती है। अभी कौन सी होती है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक होती है अध्रुव बंधी प्रकृतियां, अध्रुव बंदी प्रकृतियां, यह होती है भव्यों को, यह आगे चलकर उनको ये बनती नहीं है प्रकृतियां, ठीक है? अध्रुव बंदी प्रकृतियां, ये चलो मैं आ गया। अभी मैंने कितनी प्रकार की प्रकृतियां बताई? सांतर, निरंतर, निरंतर सांतर, अनादि, सादी, ध्रुव, अध्रुव बंदी प्रकृतियां, जिसमें अभी चर्चा किसकी करनी है हमको? सांतरों निरंतर प्रकृतियां, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि निरंतर प्रकृति में जो निरंतर एक बार बंधने लग जाए तो अंतर्मुहूर्त के लिए तो बंधे ही बंधे, इसको कहते हैं आयु कर्म, सॉरी इसमें आएगा आयु कर्म। निरंतर प्रकृतियां कई है, आयु कर्म भी निरंतर बंधी प्रकृति है, एक बार बंधना चालू हुई अंतर्मुहूर्त के लिए बंधेगी ही बंधेगी। कितने पॉइंट हो गए? तीन पॉइंट हो रहे। और वहां पर क्या लिखोगे? गति है ना, वहां पर गति में ये लिखो, नरक गति है सांतर बंदी प्रकृति, और बची हुई तीन गतियां ये है निरंतर सांतर प्रकृति। पकड़ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि यदि नरक गति बंदी तो एक समय में ही बंधेगी, दूसरे समय में उसका बंध रुक जाएगा। किसको समझ में आया? नरक गति बंदी दूसरे समय में नहीं बंधेगा, तभी तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सांतर बंदी प्रकृति। और जो बाकी की तीन गतियां है वो एक समय बनकर फिर रुक सकती है, अथवा बढ़कर अंतर्मुहूर्त तक भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है उनका, इसलिए वे है निरंतर सांतर प्रकृतियां। समझ में आया? अभी मैं कुछ रहस्य की बात बताऊंगा इससे। और एक पॉइंट लिख लो वैसे, चलो इसी का पहले स्पष्टीकरण करो, फिर चौथा पॉइंट एक लिखना है अपने को, चौथा पॉइंट लिख कर रख दो फिर भूल जाए अपन। गति जीव विपाकी प्रकृति है, और आयु भव विपाकी प्रकृति है। ठीक है, आयु क्या लिखा? भव विपाकी प्रकृति है। अभी यहां पर ध्यान दीजिए सब, इसका मतलब यह हुआ, मैं जो अभी बोला ना उसका अर्थ समझा रहा हूं। मतलब जब आयु बन रही है ना, मनुष्य की आयु बन रही है, किसी को मनुष्य की आयु बन रही है, किसी को मतलब किसको बंधेगी? मनुष्य आयु किसी को भी बन सकती है। नरक आयु बन रही, किसको बंधेगी? नरक आयु किसी को भी नहीं बंधेगी, या तो मनुष्य को या तो तिरंज को। देव आयु बन रही है किसी को मतलब मनुष्य तिरंज को, तो मनुष्य तिरंज को मान लो देवायु बंध रही थी, तो देवायु कितने समय में बंधेगी? बनते समय
अंतर्मुहूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी, निरंतर प्रकृति है, निरंतर बंधी प्रकृति, लेकिन उसी अंतर्मुहूर्त में कभी देव गति भी बंधेगी, कभी मनुष्य गति भी बंधेगी, कभी तिरेंज गति भी बंधेगी, कभी नरक गति भी बंधेगी, फिर देव गति, फिर तिरेंज गति, फिर मनुष्य गति, फिर तिरेंज गति, ऐसी गतियां तो बदलती जाएगी। मतलब उस अंतर्मुहूर्त के पीरियड में चारों गतियां कई दफे बदलती रहती है। समझ में आ रहा है सबको? कितना आश्चर्य है। मतलब आयु तो का तो ऐसा है, अभी अंतर्मुहूर्त में बंदी, फिर दूसरे अपकर्ष काल में मान लो फिर से आयु बनने लग गई। कितने अपकर्ष काल में आयु बन सकती है? 8। लेकिन क्या नियम है? जो पहले अपकर्ष काल में आयु बंदी, अगले अपकर्ष काल में भी वही आयु बंधेगी। आयु 8 बार भी बंधेगी तो वही नियम, समझ लो आप अच्छे से। लेकिन गति तो उस अंतर्मुहूर्त में भी कई दफे बदल सकती है, ठीक है। अभी और एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, देखिए, सुनिए, आयु जिस आयु का बंद हुआ हो उसी को उदय में आएगा, वो आयु कर्म में लिखेंगे। जिस आयु का बंद हुआ था पूर्व भव में, वही उदय में आएगी, ठीक है। लेकिन गति का क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो आप। गति वही उदय में आती है प्रमुखता से जो आयु उदय में चल रही है। जिस आयु का उदय चल रहा है ना, उसी गति रूप वो बाकी की उदय गतियां उदय में आती रहेगी। कैसे, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए तो फिर मैं विषय आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मनुष्य आयु उदय में चल रही है। अभी हमको कौन सी आयु उदय में है? मनुष्य आयु हमको उदय में है। कब से कब तक? जन्म से लेकर मरण तक हमको मनुष्य आयु ही उदय में चल रही है। लेकिन कोई पूछे कौन सी गति उदय में आ रही है, तो हम ये नहीं बता सकते अभी। क्यों? ये भी एक पॉइंट बनेगा ना। अभी क्या लिखा आपने लेफ्ट की तरफ? जिस आयु का वही उदय में आएगी। और गति में क्या लिखा? जिस आयु का उदय चल रहा है उसी गति का उसी गति रूप उदय में आएगा। और ब्रैकेट में लिखो, लेकिन उदय चारों गति का चलता रहता है। क्या एक प्रकार से विचार करे तो उदय तो चारों गति का चलता है। कैसे चल रहा है अभी? लेकिन फर्क इतना ही पड़ेगा, उसका स्तिवक संक्रमण होकर उदय होगा। स्तिवक संक्रमण मतलब क्या, मैं थोड़ा बताऊं। ये लिखना बंद करके थोड़ा ऊपर देखो, समझो पहले विषय को। ऐसा जैसे उदयावली में सभी गतियां आकर खड़ी है, कभी मनुष्य गति, कभी तिरेंज गति, कभी देव गति, हमको। लेकिन वो जो गति उदय में आनी है, जैसे अभी मनुष्य गति उदय में आनी है हमको, सो तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत उसमें। लेकिन यदि तिरेंज गति उदय में आनी है तो उसका स्तिवक संक्रमण होकर वो उदय में आते। स्तिवक संक्रमण मतलब वह स्वमुख से उदय में नहीं आती तिरेंज गति, परमुख से आती। परमुख मतलब वह मनुष्य गति रूप होकर आती। आप समझ रहे हैं? चारों गतियों का उदय तो चलेगा, लेकिन जो आयु चल रही है उसी गति रूप स्तिवक संक्रमण होकर वो उदय में आती रहेगी। गति कैसा और अपना असर दिखाएगी, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जैसे हमको अभी तिरेंज गति का उदय आना है, कैसा आएगा? हमको भोजन हो गया, भोजन के बाद कुछ सौंफ आदि चबाते रहने की आदत होती है लोगों को, खूब घंटों चबाते रहते हैं, पान खाते रहते हैं, ये तिरेंज गति का उदय चल रहा है उनका। क्यों? तिरेंज की आदत है निरंतर चरने की, ठीक है। और कोई कोई होता है ना बहुत लड़ाकू होता है, बात बात पर एकदम बिगड़ जाता है। क्यों हंस रहे? कौन चबाता रहता है? कोई चबाता रहता है क्या? किसी की आदत है क्या? आदत है किसी की? तो आपस में क्यों देख रही है सब? किसको आदत है? कुछ तो बोलो।
ये तिरंज गति का उदय है. क्यों? तिरंज को आदत होती है निरंतर चरने की, जुगली वगैरह करते रात दिन कभी भी देखो चलते रहते उनका मुंह, तिरंज गति का उदय चल रहा है. और बोलो, और कोई एकदम लड़ाकू होता ना, बहुत बहुत पूरे एकदम लड़ता है, एकदम मोहल्ले वालों को इकट्ठा करता है, ये नरक गति का उदय. आप समझ गए? किसी किसी का परिणाम होता है एकदम शांत, जो भी हो रहा है इजी वे में, देव गति का उदय. मनुष्य गति भी हो सकता है वो, कुछ नहीं कह सकते हम इसमें ज्यादा, ठीक है. मतलब वह गति मनुष्य गति रूप ही उदय में आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर दिखाएगी. वो खड़े खड़े पेशाब करना, ये किसकी आदत होती है? कौन करता है ऐसा खड़े खड़े पेशाब वगैरह? तिरियंज, सभी तिरियंज खड़े खड़े करते पेशाब. तो यहां पर भी मनुष्य खड़े खड़े आदि करने लग जाए यहां पर पेशाब वगैरह, तो उसमें वो तिरियंज गति का उदय चल रहा है, वो थोड़ा काम वैसा करने लग जाएगा. आप समझ रहे हैं? बात बात में लड़ना झगड़ना. बोलो, चलते रहते निरंतर, उसमें क्या है? हाँ, चलता रहता है, उसका असर दिखता है, मतलब कभी कभी दिखता है असर, तो जैसे लड़ाई लड़ाई हुई. हाँ, लेकिन हमेशा ही दिखता, लेकिन ये उदय तो हमेशा चलता रहता है. दिख सकता है. चलो मैं आ गया, गति का तो निरंतर उदय चल रहा है हमारे. अब कौन से गति का ये हम नहीं कह सकते, चारों गतियों का उदय चलता है, लेकिन उसका स्त्रीमुख संक्रमण होकर उदय में आता है, परमुख से, स्वमुख से नहीं उदय आता उसका. ये गति में और अवि में अंतर पड़ेगा, ठीक है. और हमने एक पॉइंट लिखा, वो जीव विपा की प्रकृति है. लिखा गति जीव विपा की प्रकृति है, और आयु लिखा है भव विपा की प्रकृति है. जीव विपा की मतलब इसका जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है. जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ठीक है. और आयु का जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता. क्यों? आयु आयु क्या काम करती है? मात्र शरीर और देह को, जीव को, एक क्षेत्र का बंधन, वो साथ साथ रहे इतनी व्यवस्था करती है, लेकिन उसको लेकर कोई औदयिक भाव नहीं होते. क्या कहा मैंने? कहा नहीं नहीं, औदयिक भाव कहने की अपेक्षा मुझे कहना है औदयिक भाव तो होंगे, लेकिन वे औदयिक भाव वो जीव विपा की प्रकृति ने, मतलब जीव के परिणामों में सुख दुख कराने में समर्थ नहीं है, लेकिन जो गति है वो जीव को सुख दुख कराने में समर्थ है. कैसे? मैं अभी अभी थोड़ा बताऊंगा आपको, थोड़ा अभी लेंगे उसको, पहले तो इतना लिख लो अभी. और एक प्रश्न जो उपस्थित हुआ तो उसको लेते हैं अभी हम. प्रशस्त गति, देव गति, मनुष्य गति है, और प्रशस्त आयु में आप लिखेंगे देव आयु, मनुष्य आयु और तिरियंश आयु. मतलब एक मूलभूत अंतर क्या पड़ा? तिरियंश आयु को कह रहे सुखरूप और तिरियंश गति को कह रहे दुखरूप. ये महत्वपूर्ण अंतर पड़ गया, ठीक है. महत्वपूर्ण अंतर क्या पड़ गया? बोलो बोलो. हाँ, इसमें तो सम्मति है सबकी कि नरक गति भी दुखरूप, नरक आयु भी दुखरूप, ठीक है ना. और इसमें भी सम्मति आचार्यों की. किसमें सम्मति है? देव आयु देव गति, मनुष्य आयु मनुष्य गति, ये सुखरूप, इसमें भी सम्मति है. बात कहां तक आड़े आकर आड़ी? तिरेंज आयु को सुखरूप कह रहे, तिरेंज गति को दुखरूप कह रहे. अब हम रहस्य क्या समझे? यही पर आकर वो प्रश्न अटका था. तो मैंने ये कहा था मैं परसों समझाऊंगा, याद आ रहा है, और मैं अभी उसको समझाने वाला हूं, ठीक है. बैठिए, देखिए, तिरेंज आयु को सुखरूप इसलिए कहा और तिरेंज गति को दुखरूप इसलिए कहा, क्या बात है? कुछ बात है क्या? आपको प्रथमानियों की कहानी सुनाऊंगा तो उसके माध्यम से आपको पकड़ में आ जाएगा. राजा को किसी माध्यम से यह पता चला हमारा कुमरण होने वाला है. क्या पता चला? कुमरण होने वाला है. एकदम विभल हो गया. उन्होंने देखा मैं इसी विष्टा में कीड़ा बनने वाला हूं. उन्होंने बच्चों को बुला के कहा ऐसा दर्दनाक मरण मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जाना,
तिरंज गति में मुझे नहीं जाना. क्यों? तिरंज गति दुखरूप है, उसमें कोई जाना नहीं चाहता. समझ गए? तिरंज गति दुखरूप है, कोई जाना नहीं चाहता उसमें. अब जाकर वहां पर जन्म लिया, जैसे ही जन्म लिया वो लड़का उसको मारने को देखे, वो यहां वहां दौड़ता जाए कीड़ा. कोई जीव मरना नहीं चाहता, तिरंज भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि तिरंज आयु सुखरूप है. तिरंज आयु मतलब क्या लेंगे अभी, वो जन्म से लेकर मरण तक वो देह अपनी नहीं छूटे, देह का संयोग नहीं छूटे. देह का संयोग मतलब आयु, सुखरूप. समझ में आ रहा है अभी? तिरंज आयु को सुखरूप और तिरंज गति को दुखरूप. यहां से मर के कोई तिरंज में जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने के बाद कोई वहां से मरना नहीं चाहता, प्राप्त पर्य में तन्मय हो जाता है. समझ में आ रहा है? ये कितने जन को समझ में आ रहा है? लेकिन नरक का ऐसा नहीं है, यहां से मर के भी कोई नरक में नहीं जाना चाहता, इसलिए नरक गति दुखरूप. और नरक में जन्मने पर भी वहां पर प्रतिपल वहां से छुटना चाहता है, क्योंकि नरक आयु भी है दुखरूप. आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, नरक आयु को क्या कहा हमने? दुखरूप. हाँ बोलो भाई. फिर से क्या? वो तो बहुत अकुल व्याकुल है, वो तो वो भी पर्याय से छूटना चाहता है. जैसे मैं आप ये कहूँ आग लगाई है स्वयं में किसी को, वो तड़प रहा है कि नहीं? लेकिन आग तो स्वयं ने ही लगाई है, और फिर जो आग लगाने वाले को बचाने आता है, जिसने आग लगाई उसको, तो वो चाहता है कि कोई मुझे बचाए. कहते नहीं नहीं तुम बीच में मत आओ, तुम बीच में मत आओ, और चिल्लाता भी जाता है. वो छुटकारा चाहता है. नरक में प्रतिपल जीव छुटना चाहता है, वहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर तीव्र दुख भोगता है, वो वेदना भोगता है. समझ में आया? इसलिए नरक आयु को भी दुखरूप कहा, और बाकी तीनों आयु को तो वहां से कोई छुटना नहीं चाहता, तो उसको सुखरूप कहा. कितनी ही प्रतिकूलता हो, वो वहां पर बना रहना चाहता, मरना नहीं चाहता. अभी कोई आप में से प्रश्न पूछना चाहे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए. अभी बैठिए सब. मैंने अभी क्या कहा? तिरंज गति, तिरंज जैसा ही करने का भाव आता है, निरंतर खाता है. ठीक है, निरंतर देव गति है तो वैसा ही करने का, मतलब एकदम वैसा ही परिणाम होने का भाव आता है. इसलिए तो अकुलित है इतना. अभी पेट भर भोजन किया और अकुलता कितनी? फिर चरता रहो, फिर चरता रहो, फिर चरता रहो, अभी कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ. ये किसकी निशानी है? सुख की निशानी है कि दुख की निशानी है? ऐसा अकुलित कौन रहता है? तिर्यंश. मनुष्य और देव तृप्त रहते हैं, तिर्यंश और नारकी अतृप्त रहता है. समझ रहे हो आप? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा दो तीन बिंदुओं को लेकर. बोलो. हाँ, किसी कषाय वश की बात है, वो प्रासंगिक बात है. ठीक है, ये कह रहे मनुष्य भी तो, उसको अभी सुख सुविधा मिल जाए तो थोड़ी ना छोड़ना चाहता है क्या? और नारकी को तो तीन काल में सुख सुविधा आ ही नहीं सकती, मनुष्य को तो आ सकती है. ठीक है, नारकी को तो आ नहीं सकती, वहां का क्षेत्र ही ऐसा टेरिफिक है, वो तो रहने नहीं चाहता वहां पर. मनुष्य तो आज भी अनुकूलता मिले तो रहना पसंद करे, मिल सकती है अनुकूलता यहां पर. वहां पर तो मिलनी नहीं है नरक में, इसलिए वहां पर वहां से तो निरंतर क्यों नहीं मिलनी है? ठंडी गर्मी तो बदलनी है ही नहीं वहां पर. यहां पर तो ऐसी लगा के ठीक ठाक कर सकते हैं, अभी कौन मरना चाहता है? वहां पर है क्या कोई व्यवस्था? इसलिए वहां से तो मरना ही चाहता है. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलो. आयु भी है, सुनो, आयु कर्म के उदय के लेकर जो भाव होंगे जीव में
वो भी आवधिक भाव ही है, लेकिन लेकिन वो जीव विपा की प्रकृति नहीं है, उसको लेकर सुख दुख नहीं होगा, बस संयोग बना है। तो सुख दुख जो होता है ना वो एकत्व को लेकर होता है, ये देह मेरी है ये छूटे ना, वो तो एकत्व को लेकर दुखी है, आप समझ रहे हैं, वो संयोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए आयु कर्म संबंधी जो औदयिक भाव है, 21 भाव में गिनाए नहीं है उसको, लेकिन आयु कर्म संबंधी जो औदयिक भाव है वो जीव विपा की प्रकृति नहीं है, जीव के परिणामों के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। एक बात समझना सब अच्छे से, उदय 148 प्रकृतियों को होता है, कितने 148 प्रकृतियों को उदय चलता है, जीव को बनते समय तो 146 ही बनती है, उदय में आते समय 148 आ सकती है, फिर भी 148 संबंधी कितने भाव दिखाने चाहिए थे फिर उनको, औदयिक भाव या तो 8 दिखाते या तो 148 दिखाते, लेकिन दिखा है 21। तो आयु कर्म संबंधी भी औदयिक भाव तो है, लेकिन वो किसमें गर्भित किया है यह हमको फिर देखना है बाद में, ये बाद में प्रश्न देखना है हमको। बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ बोलो भाई, कौन उत्तर देगा इसका, कौन उत्तर देगा बोलो, सम बोलो। उनका उदय संबंधी प्रश्न नहीं, बंधन संबंधी प्रश्न है उनका, ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है बोलिए। जिस समय गति बंधी उस समय आयु भी बन सकती है, एक ही समय। मैंने प्रारंभ में ही क्या विषय खोला, अंतर्मूर्त आयु में कितनी बार गति को तो बदलना चलता ही रहता है। ठीक है बैठिए, एक समय क्या, एक समय में हाँ उसी संबंधी आयु उसी संबंधी गति बन सकता है, किसने मना किया है, बिल्कुल बन सकता है। अरे जब अन्य गतियां बन सकती है तो वह गति तो बंधी सकती है जिसकी आयु बंधी है, उसमें कोई शक नहीं है, और बंधी थी तभी तो उदय में चारों की चारों आ रही है, बंधी थी तभी तो चारों की चारों उदय में आती है, लेकिन उदय में आते समय इतना होगा जो जिसकी आयु चल रही है उस गति रूप होकर उदय में आएगी। कितने जन समझ रहे भाई बात को, कोई प्रश्न होगा तो पूछिए भाई, है प्रश्न बोलो। आयु कर्म को भव विपाकी, बैठिए। भव विपाकी प्रकृति किनको कहते हैं, जो जिसको लेकर एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहे उनको भव विपाकी प्रकृति कहते हैं। भव मतलब ही असमान जाति द्रव्य पर्याय का संबंध बना रहना, उसको कहते हैं भव प्रकृति। भव का अर्थ ये जो देह और जीव है ना, इनका जो समुदाय है इसी को कहते हैं भव। ठीक है, मैं एक प्रश्न पढ़ के दिखाऊं अभी सबको, सब तैयार हुए होंगे तो मैं एक प्रश्न पढ़ के दिखाऊंगा आप सबको। ठीक है रेडी, देखिए प्रश्न है, ये धवल ग्रंथ का 10वां पुस्तक, उसमें प्रश्न है, जिस गति की आयु बांधी गई है निश्चय से वह ही उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या है, नरक गति के उदय से नरक पर्य मिलती है या नरक आयु के उदय से मिलती है, क्या प्रश्न है। हमको जो मनुष्य पर्य मिली वो मनुष्य आयु के उदय से कि मनुष्य गति के उदय से। धवल में प्रश्न पूछा है, नरक गति के उदय से नरक पर्य मिलती है या नरक आयु के उदय से मिलती है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, नरक आयु कितने जनों का कहना है, बराबर। क्यों, नरक गति के उदय से नरक पर्य मिली है कहने में क्या आपत्ति है। आपत्ति यह है फिर पर्य बदलती जानी चाहिए बार बार, क्योंकि गतियां तो बार बार चारों बदलती जाएगी, तो उदय का कोई संबंध नहीं। और सुनिए ध्यान से, और सत्ता में पड़ा है कोई
अन्य गति, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गति उदय में भी कोई भी आए उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, और सत्ता में भी पड़ी रहे कोई भी गति उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस आयु का उदय है उसी से फर्क पड़ता है पूरा, क्योंकि स्थावर है ना, स्थावर, उसकी सत्ता में त्रस प्रकृति भी पड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है सत्ता में, समझ में आ रहा है? सत्ता में मतलब भविष्य में कभी उदय में आएगी स्थावर प्रकृति, सत्ता में होने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता हमको, जब उदय में आएगी तभी तो वो भोगते हैं ना उसको। ठीक उसी प्रकार जो नरक आयु भोग रहा है ना, उसकी सत्ता में चारों गतियां हो सकती है, सभी गतियां, सत्ता में होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन सत्ता में कभी कोई आयु नहीं होती। हाँ होती है, आगामी भव संबंधी बांधे तो अगले भव में भोगेगा। देखो मैं यहां से उत्तर पढ़ता हूं, नरक गति के उदय से नारक परे मिलती है या नरक आयु के उदय से मिलती है? उत्तर, जिस गति की आयु बांधी गई है, जिस गति की आयु बांधी है निश्चय से वहां ही उत्पन्न होता है। यदि यह कोई यह आशंका करे कि नरक गति के उदय से एवं सत्व के कारण, सत्व मतलब सत्व सत्ता, आप समझते हो ना तीन शब्द, बंध सत्ता उदय, समझते हो कि नहीं? कर्म बंधा, फिर आत्मा के साथ पड़ा रहा सत्ता में, और कितनी स्थिति पूरी होने के बाद उदय में आ गया। देखो यह कोई यह शंका करे कि नरक गति के उदय एवं सत्व के कारण नरक पर्याय मिलती है, कोई ये कह रहा है नरक गति के उदय से नरक पर्याय मिलती है, और कोई ये कहता है नरक गति की सत्ता से, सत्व से नरक पर्याय मिलती है। दो आदमी खड़े हैं, ठीक, देखो दोनों का खंडन करेंगे यहां पर कैसे, देखिए अभी तो उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम मनुष्यों के उदयावली में चारों गतियों का उदय रहता है, उदयावली में चारों गतियों का उदय रहता है, परंतु मनुष्य गति के अलावा अन्य तीन गति नाम कर्म की प्रकृतियां संक्रमित होकर मनुष्य गति रूप उदय में आती है। ओके, जहां तक नरक गति के सत्व का प्रश्न है, धवल पुस्तक एक में पृष्ठ 326 पर इस प्रकार कहा गया है, नरक गति का सत्व भी सम्यक दृष्टि के नरक में उत्पत्ति का कारण कहना ठीक नहीं है। नरक गति का सत्व वो भी नरक गति के नरक पर्याय का कारण नहीं है, नरक में उत्पत्ति का कारण नहीं है, ठीक है? ठीक नहीं, क्योंकि नरक गति के सत्व के प्रति कोई विशेषता न होने से सभी पंचेंद्रियों की नरक गति का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि सत्ता में तो सभी पंचेंद्रियों की नरक गति पड़ी है ये कह रहे, समझ रहे हो आप? थोड़ा भारी पड़ रहा है अभी, मैं अभी खोलूंगा इसको। जैसे नित्य निगोदिया जीवों के भी त्रस कर्म की सत्ता विद्यमान रहती है, इसलिए उनको भी त्रसों में उत्पत्ति होने लगेगी, लेकिन होती नहीं। मतलब दो बातें इसमें सिद्ध की, क्या क्या सिद्ध की बोलो? सत्ता में पड़ा गति है वो भी हमारे पर्याय के कारण नहीं, और उदय में जो गति आई है उसके कारण भी पर्याय नहीं, वो तो जो आयु है वो आयु के उदय के कारण हमको पर्याय मिली है। अभी बीच में एक बात गई, उसको अपन कहते हैं नरक गति की सत्ता। देखिए अभी हम गुणस्थान वाइज अभी गति को बोलना प्रारंभ करने वाले हैं, कौन सा प्रकरण चलेगा अभी तो इसमें ये पूरा आ जाएगा, गुणस्थान अनुसार गति देखनी है हमको। चार गति की चर्चा है ना, कौन सा भाव चल रहा है हमारा? औदयिक भाव के कौन से भेद, कितने भेद पहले गति देख रहे हैं हम, गति, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असिद्धत्व लेश्चा चतुष त्रय कई 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 षड भेदा, समझ में आया? गति कितनी? चार, चार गति की चर्चा चल रही है अभी हमारे यहां पर। तो देखिए अभी हमें गुणस्थान में भी विभाजित करके दिखाना है, सब गुणस्थान देखेंगे, फिर तत्व देखेंगे, फिर हे उपादे देखना है। उससे पहले मैं चार गति के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको आज दे दूंगा। बोलिए क्या? काल, गुणस्थान अपन देखेंगे तो उसमें काल निकल आएगा, फिर देख लेंगे, काल वैसे नहीं बता सकेंगे इसको कुछ, ठीक है, देख लेंगे अपन। चलो आगे, अभी चारों गति की चर्चा करेंगे हम, कौन कौन सी गति है चार?
मनुष्य, त्रियंश, देव, नरक। अब नरक गति की चर्चा करते हैं। जिस गति, नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव को, जीव जिस प्रकार की आकुलता भोगता है, कैसे आकुलता भोगता है बताओ, वैसा ही विभत्स रूप वाला शरीर, वैसा ही टेढ़ा शरीर, और किसको भोगता है वो, पूरे बिल वाला, उबड़ खाबड़, स्पर्श वाला क्षेत्र, और जन्म से लेकर आयु पर्यंत के काल तक, और ऐसे परिणाम, जिन परिणाम, जो अशुभ लेश वगैरह को भोगता है उसको कहेंगे नरक गति। आप समझ रहे सब मेरी बात को? नरक गति मतलब एक प्रकार का परिणाम है, परिणाम जीव का नारकी, ठीक है, नारकी जीवों को जो परिणाम होता है उसको कहते हैं नरक गति। आगे बढ़ू मैं, तिर्यंश में, तिर्यंश गति की परिभाषा क्या करेंगे? तिर्यंश गति नाम कर्म के उदय से, तिर्यंश गति नाम कर्म के उदय से जो तिर्यंश को खुले में संभोग करने का आदि आदि भाव आता है, अविवेक्त होती है, सत असत के अविवेक के बारे में, उसको कहेंगे तिर्यंश गति। पकड़ में आया? मनुष्य गति, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो कला आदि में निपुणता आती है, अतः उसको विशेष सत असत का विवेक करने की बुद्धि जागृत होती है, तत्व परिणाम को सुनने का भाव होता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं। देव गति किसे कहेंगे? देव, यह शब्द दिव धातु से बना है। कौन से धातु से? दिव। दिव्यंति इति देवा, दिव्यंति मतलब क्रीड़ा करना, जो असंख्यात द्वीप समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, कुतूहल प्रिय होते हैं, मजाकिया मूड के होते हैं, उनको देव कहते हैं। आप समझ रहे हो सब? नारकी क्या क्या बताया? ना रक, ना रत, एक समय में भी उनको वहां पर रति नहीं होती, एक समय भी उनको वहां पर सुहाता नहीं है, उसको कहते हैं नारक, नारक गति। जिस परिणाम में उसको एक समय भी वहां पर सुहाए ना, उसको कहेंगे नरक गति। यहां पर भी कभी हमको हो सकता है ना ऐसा, भाई मैं नहीं रहा जाता, बस नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता, ये नरक गति का उदय आ रहा है संक्रमित होकर। पकड़ में आया? चारों गति को समझ लिया आपने? मैंने सामान्य से चारों गति को समझा दिया, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है वैसे भागों में? जब कोई जीव कहीं से मर के तिर्यंश शरीर को प्राप्त होता है और वहां पर बना रहता है, उसको तिर्यंश गति कहते हैं। वो तो शरीर की तरफ से बोला, क्योंकि वहां पर आयु की मुख्यता से लिखा गया वो पाठ है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन गति है वास्तव में जीव का परिणाम, ठीक है। बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर मनुष्य गति में रहने का भाव नहीं आया तो वो नरक गति का उस समय उदय होगा? हाँ, नरक गति ही संक्रमित होकर हो आ रही है, और नरक गति का बंध भी कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। बंद तो कर ही सकता है ना, किसी भी गति का कर ही सकता है, कौन सी भी आयु बनती हो गति तो सब बंद कर सकता है, और उदय में भी कोई भी गति आ सकती है। चलना आगे बोलो। यस, पुण्य देवायु जरूरी नहीं है, मनुष्य आयु बंधे, पुण्य पुण्य से बनती है। समझ में आ गया? ऐसा बोलो। और पहले वो कितने भी पाप करके आए? हाँ बराबर, पहले कितने ही पाप किए हो, लेकिन उस मुहूर्त के लिए यदि उसके परिणाम जैसे हुए जिसमें आयु बननी हो, बराबर परिणाम के अनुसार जाएगा, ठीक है। जैसी गति वैसे मति, ऐसा बोलो, या जैसी मति वैसी गति, ऐसा बोलो। लेकिन पता हमें नहीं है ना कौन से पॉइंट में आयु बंधेगी,
निरंतर टांगती तलवार है मृत्यु की हमारे सिर के ऊपर, हमको पता नहीं कब आयु बंधेगी और कब टिकट कटेगा। तो निरंतर यह बताया जाता है कि परिणाम निरंतर शुभ रखो, अच्छे रखो, शुद्ध रखो, कब मरण आएगा कह नहीं सकते। ठीक है, बोलो भाई, बोलो, कोई प्रश्न, प्रश्न पूछो। क्या ऐसा मतलब एक जीवन में ऐसा कोई काल आता है जिसमें मैन आयु बनती है, तो मतलब दो तीन बार आती है ना, मतलब जैसे पहले मनुष्य की बदी, फिर बाद भी मनुष्य की बदेगी और बाद में भी। एए, कौन बताएगा इसका समाधान, कौन करेगा समाधान, कौन करेगा? आयु जो बनती है वो कितनी बार बन सकती है? ज्यादा से ज्यादा 8 बार बन सकती है। और यदि 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधे, अंतिम अंतर मुहूर्त में तो बंधेगी बंधेगी। बोलो। तो ऐसा हो जाए जैसे, लेकिन बंधेगी तो एक ही आयु, बस स्थिति में गड़बड़ हो सकता है, स्थिति में गड़बड़ हो सकता है। बोलो। उनमें से 7 में तो पाप किया और फिर बाद में पुण्य कर लिया तो फिर चेंज हो जाएगी। 7 में पाप कर लिया, हाँ, और आखिरी में पुण्य कर लिया तो चेंज हो जाएगी। वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं ना, वहां पर भी वैसा ही परिणाम करेगा जिस आयु के लायक हो। समझ में आया? तो नहीं तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना, ये जो सिस्टम है कोलैप्स हो जाएगी पूरी, तो वैसा ही परिणाम करेगा वहां पर। तो अनुरूप ही काम होगा, ऐसा नहीं होगा कि 7 अपकर्ष कालों में विपरीत आयु का परिणाम क्या, 8वें अपकर्ष काल में विपरीत आयु का परिणाम क्या, ऐसा नहीं होगा। वो बराबर वैसा ही होगा वहां पर, नियम है ऐसा। ठीक है, इतना होगा, परिणामों में गड़बड़ होगी तो स्थिति गड़बड़ होगी फिर। ठीक है, जैसे और पुण्य भाव कर रहा होगा तो इतना होगा, देव आयु बन रही हो तो उसकी स्थिति अभी ज्यादा स्थिति को लेकर वहां पर बन देगा, इतना होगा। बैठिए, जाओ जाओ, हाँ बोलो, कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो। पंडित जी, ऐसे अगर किसी को अपदीगान हो गया, हाँ, उसने अपनी आयु, उसने देख लिया कि मुझे आयु इस समय बनने वाली है और उस समय उसने अपने अच्छे परिणाम कर लिए, तो आयु कैसे देखेगा वो? आयु कैसे देखेगा वो? और बुद्धिपूर्वक कोई कर सकता है कि शुभ परिणाम? मेरा ये प्रश्न है। हम कहेंगे तुम शुभ परिणाम करो, तुम्हारा शत्रु खड़ा है, हम कह रहे तुम शुभ परिणाम करो, आगे तुम बुद्धिपूर्वक कर सकोगे? मित्र है खड़ा, हम कह रहे जैसे आपके मम्मी पापा आए और हम कहेंगे तुम्हारा शुभ परिणाम करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, कर सकोगे तुम? एक्शन की बात नहीं, एक्शन तो भले करके दिखाओगे, बात परिणामों के, परिणाम नहीं कर सकेंगे आप। किसी के कहने से परिणाम आपके नहीं हो सकते, वो तो सहज में अंदर में बात आए तो परिणाम हो सकता है वैसा। ठीक है, ऐसा नहीं है आयु बंद का अवसर होगा और हम देख ले तो परिणाम अच्छे करेंगे, ऐसा नहीं होता। परिणाम फिर खराब क्यों करेगा वो पहले भी? क्यों? खराब परिणाम ही दुखदाई है वो, क्या आगे जाकर दुख होगा अगली गति में? ऐसा थोड़ी है, कितने जन को समझ में आया? खराब परिणाम तो वर्तमान में ही दुखदाई है, वो दुख नहीं भोगना चाहते तो आयु तो जो बंधे, क्यों फिर नरक आयु देखे वो अपनी बंधी हुई, तो फिर वो फिर क्या करे वो? और वैसे बंधनी है फिर तो करो पाप, ऐसा करेगा क्यों? और वो जो होना है तब होगा, अभी तो जितना भोगना है उतना तो आनंद भोग लूं मैं, अभी तो अच्छे परिणाम रखूं, यही बोलना चाहिए उसको भी। चलो कोई प्रश्न हो तो पूछिए, बोलो। बोलिए मत कोई, हाँ, बांधने के बाद बहुत मतलब किसी कषाय के वश वो बहुत तीव्र पाप करने लगे तो फिर मनुष्यायु ही रहेगी? मनुष्यायु बांधी पहले, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। एक बार आयु बंधी तो वही उसमें चेंज नहीं होता, आयु में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण में हमने थोड़ा देखा था, संक्रमण का ऐसा नियम है कि एक तो मूल प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नहीं होता, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप संक्रमित नहीं होगे, और उत्तर भेदों में भी हमने देखा था दर्शन मोहनी की किसी प्रकृति का चारित्र मोहनी किसी प्रकृति में संक्रमण नहीं होगा। आपस में होगा तो होगा संक्रमण, क्रोध मान रूप, मान माया रूप, माया लोभ रूप, ये तो संक्रमण होगा, आपस में नहीं। उसी प्रकार 4 आयु है ये आपस में संक्रमित नहीं होती, 7वेदनी असातवेदनी ये तो आपस में संक्रमित हो जाएगी, समझ में आए, लेकिन ये संक्रमित नहीं होगी। ठीक है, बैठिए। आयु तो जो है वही कॉन्स्टेंट रहेगी, अभी बदलनी नहीं, स्थिति गड़बड़ हो सकती है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप लोग 8th वाले नहीं आ रहे क्या आज?
कब आने वाले हैं? तो आ रहे ना सब, तो आने के बाद चालू करे बोलो। हाँ हाँ ये तो हो सकेगा, ऐसा हो सकेगा, ठीक है, लेकिन आयु तो सेट है, मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा। चलो कोई प्रश्न हो तो रखो, नहीं तो फिर मुझे कुछ और चर्चा करनी है, करूं? हो गया, गुणस्थान देखना है हमको, क्या देखना है, चलेगा ना? ये जब तक बच्चे आते तब तक लेना है क्या? ये जब तक बच्चे आ रहे हैं सबको बुलाया है क्या? ए, सबको बुलाया? तो ताऊ जी को पूछो मैं जाऊँ क्या कमरे पर बोलना? तो तुम लोगों के बच्चे तभी छोड़ेंगे क्या ये जाने के बाद? हाँ